सुना बाबू, देखो सब कुछ सामने निकाल के ऐसे रख लेगा बाबू, इसे जो कीवर्ड्स का मिला है कीवर्ड्स सामने, कीवर्ड्स निकाल के रख लो सब कुछ, ठीक है। हमारा पूरा आपको इतना हम आपको कैप इतना हम एबल आपको कर दिए हैं कि हम हिंदी बोलेंगे तो आप लोग इंग्लिश लिख सको, ठीक है। इतना एबल बना दिए, थोड़ा सा बाबू उधर घसक जाओ, घसक जाओ तो घसक जाओ, मतलब लास्ट में उधर घसक जाओ, लास्ट में उधर हो जाओ, ठीक है। हमारे हर बैच में सुबह से लेकर के शाम तक 12 बैच चलते हैं सर, हर बैच में ये चीज दिया जा रहा है, सिलेबस बैच अनुसार कोर्स अनुसार दिया जा रहा है। लेकिन ये वाला चाहे अगर चाहे किसी भी चाहे ऑनर्स का स्टूडेंट का ना हो, बीए अगर इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट का ना, उसको भी ये दे रहे हैं कीवर्ड्स ना, ताकि आप लोगों को फंडा मालूम है कि सर हिंदी बोलते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश, और हिंदी बोलते हैं तो क्या लिखना है इंग्लिश, और इंग्लिश बोलेंगे तो क्या लिखना है हिंदी, ठीक है। इसीलिए कीवर्ड्स दिया गया है, तो कुछ कीवर्ड्स मैं आपको रटवा दे रहा हूँ, कीवर्ड्स ध्यान में रखेंगे, सामने बोलते जाएंगे सबको, ठीक है। और अभी हम लोग कहानी लिखेंगे तो यूज भी होगा, कहानी लिखेंगे तो सामने रखना। और एक और जो आपको मिला है, दो यहाँ पर साइंस का, दो साइंस का, दो यहाँ पर देखिएगा, आपको दिया हुआ है साइंस का भी सिलेबस देख लेंगे। जैसे ये आप लोग टेंथ क्लास को, तो टेंथ क्लास में जैसे प्रकाश के परावर्तन तो अपवर्तन में 7 नंबर का आता है, तो एक नंबर या दो रहेगा, दो नंबर या एक रहेगा, तीन नंबर या क्या रहेगा, एक रहेगा, सब कुछ यहाँ पर लिखल है ना। हर बैच में हमारा सिलेबस दिया जा रहा है, और इधर देखिए इंग्लिश का सिलेबस दिया जा रहा है, ठीक है। बोर्ड पर भी समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए लीजिए, बोलिएगा अभी कीवर्ड सबको रटना, जोर जोर से बोलेंगे कीवर्ड, साथ में यूट्यूब पर भी जाके वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर भी समझ में आ जाएगा। बोलिए सम कीवर्ड्स, कहने वाला है सम कीवर्ड्स, बोले कहा है जी सम कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का मतलब स्टोरी लिखते समय बीच बीच में आ जाएगा, वही आपको लगा देना, ठीक है ना। बोलिए साथ ही साथ अगर तो क्या लिख देंगे, जोर जोर से बोलो साथ ही साथ, तुरंत खड़ा करके पूछेंगे भी, ठीक है। सो कीप योर प्रेजेंट ऑफ माइंड, अपने दिमाग को एकदम प्रेजेंट में रखो, ठीक है। बोलिए साथ ही साथ लगाएंगे, इसके अलावा जोर जोर से बोलो, इसके अलावा, चलिए मोटा मोटी, मोटा मोटी यही कारण है कि इस कॉज दैट, कहा गया दूसरे शब्दों में, कहा गया इन अदर वर्ड्स, क्या लग रहा है सामने रखो, सामने कहा रखा है सामने, कीवर्ड्स वाला रखा सामने, नहीं मिला उसको, दूसरे का है, बोलो बोलो दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है, जैसे बोलो क्या लगे इन अदर वर्ड्स, कहा गया चलो हम लोग कह सकते हैं कि कह रहे वी कैन से दैट, कहा गया उठा कर फेंक देंगे पसर के आमलेट हो जाएगा, हाँ हाइयो बने जाकर आमलेट, बोलो हम लोग कह सकते हैं क्या बोल रहे हैं, उसके बाद के दो चीज बता, कहा आफ्टर दैट या तभी कहेंगे जी, बोलो कहा तरह जस्ट देन या तब भी, तो कहा करे देन ऑल्सो, कहा फिर भी, तब भी कहा देन ऑल्सो, एक बार के अंग्रेजी, एक बार के जो सोलो, एक बार के, एक बार की बात है, देख के बोलो देख, एक बार की बात है, किसी समय की बात है, लंबे समय की बात है, बोलिए बहुत दिनों पहले की बात है, आफ्टर लॉन्ग एन मौके पर, इसलिए क्या बोलो रे सो या देयर फॉर, क्या करे इसलिए, क्या करे इसीलिए, तो कह रहे इसीलिए, इस तरह ठस मत पड़ देना दस, कहेंगे चलिए इसी तरह से इन दिस वेरी वे, बोलो बाबू बोलो कहा, बोलिए अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जनरेटेड ठीक इसी प्रकार से इन द सेम वे, क्या कह रहे अतः अतः, तो कह रहे इसी बीच दूसरी ओर, तो कहा मीन वाइल, कहा गया स्टॉप, जाने के लिए तो टू गो, जाने के लिए था आप फोर भी लगा सकते हैं, क्योंकि फोर का मतलब भी प्रीपोजिशन होता है ना, फोर का मतलब भी के लिए होता है और फोर प्रीपोजिशन है, फोर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब प्रीपोजिशन लगाइएगा तो आई एन जी लगाना होगा। तो अभी टू से बोलिएगा, जाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, अब फोर लगा के बोलना, जाने के लिए फॉर गोइंग, कागा पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कागा फॉर प्लेइंग, कागा देखने के लिए, फॉर सीइंग, कागा आगे देखिएगा, जाकर तो टू गो भी सही है, जाकर तो क्या बोलेंगे खा कर, दगागा टू ईट, कागा पढ़ कर, दगा रहे लिख कर, दगा रहे टू राइट, कागा अब चाहे तो आफ्टर राइटिंग भी लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं, बतिया का है एक ही है। तो बोलिएगा जा कर दगागा, जोर से बोलो प्रीपोजिशन के साथ बोलो आफ्टर गोइंग, गागा पढ़ कर दगा रहे, देख कर दगा रहे, खा खा कर तो बाई लगा देना, दोबारा आएगा ना, खा खा कर, पढ़ पढ़ कर, सो कर, देख देख कर ना, तो बाई ना, बोले खा खा कर तो बाई ईटिंग, बोलो खा खा कर, पढ़ पढ़ कर, जा जा कर। सबसे पहले का अंग्रेजी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, बोलो सबसे पहले, जस बोला, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एज वी नो दैट, गागा, और मेरा कहने का मतलब है कि आई मीन टू से दैट, कहेंगे नीचे नोट में, एक ऐसा संस्थान जहां झारखंड के स्टूडेंट 9 to 12 के लिए बिजोड़ एवं सटीक ऑल सब्जेक्ट का गेस पेपर, वो पेपर बना दीजिएगा, तैयार किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्यूवर्ड्स था जो कि हम जानना बहुत जरूरी था, सुनिए इधर।